Sri Vinod Shah, very senior artist of Baroda. He studied in Faculty of Fine Arts Baroda under the legendary artist Professor N.S. Bindre and late Sri K.G. Subramanyam. And he also taught in the Fine Arts Faculty of Baroda. Many of his students have become very senior artists at the moment, and also teaching in the same department, painting department. He is well known for his watercolors and landscape paintings. He experimented a lot with sand, blowtorch, abstract art. मुझे कहना है कि कहाँ से मैंने शुरू किया. जैसे राजकोट में मैं बड़ा हुआ और वहाँ करीब 10 साल का था तब भी मुझे ड्राइंग का बहुत ये था कि ड्राइंग कुछ ना कुछ ड्राइंग करता ही रहता था. बाद में मेरे पिताजी ने देखा कि ये कुछ कर रहा है तो वहाँ हमारे एक लोकल सौराष्ट्र चित्रशाला करके एक थी क्लब वो चलता था. तो मेरे पिताजी ने बोला कि तुम जाओ वहाँ कुछ सीखना है ड्राइंग में तो वहाँ सीखेगा. वहाँ तब मगन भाई त्रिवेदी करके आर्टिस्ट थे वो वाटर कलर में बहुत अच्छा काम करते थे और ऑयल में पोर्ट्रेट बनाते थे. लेकिन मुझे पोर्ट्रेट में बहुत दिलचस्पी नहीं थी, खास करके वाटर कलर में वो कुछ सीखना था. तो टेक्निकली वो काफ़ी अच्छा जानते थे मगन भाई, तो मैंने उससे काफ़ी सीखा. तब आप देखो उस समय में फीस क्या थी, 10 रुपया मैंने इस तरह से शुरुआत हुई. फिर हमारे लोकल फ्रेंड्स जो थे जो कुछ कुछ ड्राइंग में कर रहे थे, जैसे सनत कुमार ठाकर, भूपत लाडवा, फिर सनातन मेहता, वो बाद में धीरे धीरे तो वो बंद हो गए. लेकिन ये 1953 की बात है. तो बाद में 2 साल के बाद मैंने यहाँ एडमिशन लिया 1955 में और मैंने यहाँ काम शुरू किया. फर्स्ट ईयर में ज्वाइन हुआ तब हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स थे और मुझे राजकोट का अनुभव कुछ काम में आया. ये जो ऑरेंज सा कलर है, ब्राउनिश है, तो वो मैंने ऊपर से किया लेकिन वो इतना पतला कलर था कि नीचे से ये ब्लैक दिखता है. इस तरह से मैं पूरा पेंटिंग डेवलप करता हूँ. लाइक आई स्टार्ट विथ लाइट कलर एंड फिनिश इट विथ ब्लैक. और मुझे तब बोलते थे बेंद्रे साहब कि देखो जब लैंडस्केप करते हो या स्टिल लाइफ करते हो या स्टूडियो में काम करते हो, पेंटिंग करते हो, जब पेंटिंग शुरू करते हो बाद में तीन टोन से फिनिश कर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 टोन, उससे ज़्यादा नहीं तो फिर धीरे धीरे वो गोडी हो जाता है, बिगड़ जाता है. तो इस तरह से हमने शुरू किया तो फ्रेशनेस दिखाने के लिए ट्रांसपेरेंट कलर और ट्रांसपेरेंट इफेक्ट और ये कलर करके एक के ऊपर दूसरा कलर, दूसरे के ऊपर तीसरा कलर लाइक थे, जैसे हम मिक्स मीडिया बोलते हैं. तो इट स्टार्टेड विथ वाटर कलर, फिर बाद में उसमें जैसे वैक्स कलर, वैक्स क्रेयन यूज़ किया और टेक्सचर के लिए जस्ट टू रेज द सरफेस ऊपर दूसरा पेपर लगाया, चिपकाया, कभी क्लॉथ लगाया. लेकिन क्या है, प्योर वाटर कलर इज़ क्वाइट डिफरेंट. मैंने इस तरह से बीच में सोच के कि मुझे प्योर वाटर कलर जब करना है तब दूसरा कोई मीडियम उसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. वो किया बाद में और उसका टाइटल भी दिया मिक्स और मिक्स मीडिया में टू गेट सर्टन इफेक्ट. वो ब्लेड से काम किया, ऑर्डिनरी ब्लेड से,
तो जब वो वेट है सरफेस तब वो किया तो इट गिव्स वेरी गुड टेक्सचर और कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट से कुछ डॉट डॉट ऐसे किया तो ये भी अलग से इफेक्ट देता है तो वो भी काम में मजा आता है. इट इज़ डिफरेंट देन वॉट आई रेगुलर जस्ट कोलाज तो इसलिए कि जस्ट टू रेज द सरफेस ये जो है फ्लैट बन जाती है ना जब मैं कलर करता हूँ तो ये पूरा पेपर और पूरा कलर स्किप वो फ्लैट हो जाती है. जस्ट टू रेज द सरफेस सरफेस में थोड़ा ये होना चाहिए तो वो करने के लिए कभी कभी कोलाज यूज़ किया कभी कभी क्लॉथ और ये और सैंड भी कभी सैंड भी यूज़ किया. पेंट वेट होता था तो इंक भी यूज़ करता था तो इंक भी स्प्रेड हो जाती थी और इट गिव्स अस डिफरेंट इफेक्ट. वाटर कलर फैसिनेट्स मी मोर तो मैंने इसमें ज़्यादा काम किया. राइस पेपर लगाने से सरफेस एकदम ऊपर नहीं आती है इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग ना. कोई बोलता है कि यहाँ पेंसिल मार्क तो सब दिखता है बट आई वॉन्ट इट लाइक दैट समझे. तो दिस पेंसिल मार्क जो है इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग. आपके पेंटिंग में कभी कभी थोड़ा सा मजाक भी दिखाई देती है तो ऐसा भी मैंने ट्राई किया है. जैसे एक पेंटिंग बनाई कैनवास पर और वो सडनली मैं जैसे बाजार में जाता था और ये देखता था कि लारी वाले होते थे कोई दाबेली वाले कोई ये वाले कोई समोसा वाले तो मुझे लगा कि ये भी अच्छा है सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन खाली दाबेली वाली बना के क्या करूँगा. तो मैंने क्या किया कि मून सरफेस बनाया कि मून के ऊपर दाबेली ऐसा सोच के कि टाइम विल कम व्हेन यू विल सी दाबेली ऑन द सरफेस ऑफ द मून. सिंस लास्ट 12 इयर्स मैंने थोड़ा सैंड के साथ काम किया सैंड क्लॉथ और ऐसी चीज़ डाल के और इसको जलाया. पहले क्या था हमारे कलीग जयराम पटेल ही यूज़ टू बर्न वुड वो वुड को बर्न करके टू गेट सर्टन इफेक्ट ही यूज़ टू डू लाइक दैट. लेकिन मुझे वुड नहीं जलाना था मुझे पेंट जलाना था तो मैंने ये बोर्ड पर कैनवास पर नहीं कर सकते कैनवास पर जलाएंगे तो कैनवास जल जाएगा इसलिए मैंने वुड लिया वुड पर उसमें कलर डाला कलर फिर उसको ब्लो टॉर्च से जलाया वो सूखने के बाद इतना चिपक जाता है एंड इट गिव्स वेरी नाइस इफेक्ट. बहुत सारी पेंटिंग मैंने बनाई वो इफेक्ट लेके. केजी सुब्रमण्यम का एक एटीट्यूड था कि अलग अलग मीडियम में काम करना तो वो जब काम करते थे और हम सब लोग देखते थे स्टूडेंट्स लोग उससे हमको काफ़ी सीखना मिला. तो ये जो है पेंटिंग ये प्योर वाटर कलर ही है लेकिन विद द हेल्प ऑफ ब्लेड ऑर्डिनरी ब्लेड वो स्क्रैप करके आई मेड दिस इफेक्ट और थोड़ा थोड़ा कलर भी वो किया है. सो सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स आप कह सकते हैं कि थीम ऑफ माय पेंटिंग वो थोड़ा स्लम जिसको हम बोलते हैं वो रहा क्योंकि उसमें स्ट्रेट लाइन बहुत कम दिखती है और मुझे वो नहीं चाहिए. जैसे वो आर्किटेक्चर में देखता हूँ सब तो सब स्ट्रेट लाइन में होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सब लाइंस जस्ट टू ब्रेक दोज लाइंस. अपना इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग स्टाइल हाँ. में वही एक फ्लैटनेस जो है हाँ तो वो क्या है वो इस तरह मैंने जो आपको बताया ना कि एवरीथिंग इज इन फोकस. जैसे आगे है तो हम जो ऑर्डिनरी लैंडस्केप करते हैं स्पॉट पर बैठ के
तो उसमें क्या है कि आगे का जो है इसमें डिटेल्स और ये सब दिखाते हैं, पीछे जो है उसमें धीरे धीरे डिटेल्स कम हो जाती है, और इसके पीछे है उसमें डिटेल बिल्कुल नहीं दिखते, लाइक दैट। तो हमारे जो ट्रेडिशनल, हमारे पुराने पेंटिंग्स हैं जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स, उसमें एवरीथिंग इज इन फोकस।